थप्पड़ ही तो है लेकिन नहीं मार सकता। शायद बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने फिल्म थप्पड़ का तापसी पन्नू का ये डायलॉग बहुत सीरियसली ले लिया है, लेकिन उन्होंने फिल्म के कंसेप्ट को समझने की शायद कोशिश नहीं की या फिर जहमत ही नहीं उठाई। आजकल नेहा धूपिया ट्विटर पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। इंस्टाग्राम पे उनका पोस्ट वायरल हो रहा है, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। क्यों? काम ही कुछ ऐसा किया है। फेक फेमिनिज्म का टैग नेहा धूपिया पर लग गया है। भाई पूछे क्यों? अगेन काम ही उन्होंने कुछ ऐसा किया है। अब नेहा धूपिया ने ऐसा कर क्या दिया? ये तो आप जानते ही हैं कि नेहा धूपिया रोडीज, जो कि एमटीवी का एक बहुत पॉपुलर शो है, उसमें जज के रोल में है। एमटीवी रोडीज एक ऐसा शो है जो ना सिर्फ टास्क होते हैं जिसमें स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें एक्टिविटीज होती हैं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं जजेस उजागर कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। कुछ ऐसा ही हुआ। ऑडिशंस चल रहे थे, ऑडिशंस में एक कंटेस्टेंट ने कहा कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके अलावा 5 और बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता बनाए हुए थी। उसने फिर अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया, उसके साथ उसके 5 बॉयफ्रेंड्स को बुलाया और उन सब के बीच अपनी गर्लफ्रेंड को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब इसमें गलत कौन है, लड़की या लड़का? आप खुद बताइए। बात थप्पड़ की अगर हम एक साइडलाइन कर दें कि लड़के ने थप्पड़ मारा उस लड़की को, और हम एक बात को देखें कि मैटर क्या था, तो गलत कौन है? डेफिनेटली लड़की, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप के साथ साथ आप 5 और लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। तो या तो आप उस लड़के के साथ रिलेशनशिप ना बनाइए या उन 5 लड़कों के साथ रिलेशनशिप ना बनाइए। यहाँ पर लड़की की साफ सीधी गलती नजर आती है। लेकिन नेहा धूपिया का इस पर जवाब सुनिए। नेहा धूपिया ने इस पर जवाब दिया कि 5 बॉयफ्रेंड बनाना लड़की की अपनी मर्जी हो सकती है, वो उसे थप्पड़ मारने वाला कोई नहीं होता। इसमें शायद उस लड़के की ही कमी है कि उसको उसके अलावा 5 और लड़कों से रिश्ता रखना पड़ रहा है। इस बात के बाद से नेहा धूपिया सोशल मीडिया पर ट्रॉल होने लग गई हैं, क्योंकि जहां नेहा धूपिया फेमिनिज्म के दावे करती नजर आती हैं, फेमिनिज्म पे बहुत कुछ बोलती नजर आ रही हैं, वहां सोशल मीडिया ने नेहा धूपिया को फेक फेमिनिज्म का यानी झूठी नारीवादी का टैग दे दिया है। अब नेहा धूपिया का इस तरह से बोलना कहाँ तक वाजिब है, जरा खुद सोचिए। यही एक रीजन है कि सोशल मीडिया पर नेहा धूपिया आजकल ट्रोल हो रही हैं, और ट्रोल होना बनता भी है क्योंकि आप पब्लिक के लिए एक एग्जाम्पल हैं और आप इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं कि इसमें लड़की की खुद की मर्जी है, तो ये कहां तक वाजिब है? बात थप्पड़ की हम अगेन कहेंगे, अगर साइडलाइन कर दें, तो एक लड़की की खुद की मर्जी क्या ये हो सकती है कि वो 6 लड़कों को एक साथ चलाए, वो 6 लड़कों को एक साथ रिलेशनशिप में रखे? नॉर्मल सी बात है, नहीं। लेकिन नेहा धूपिया इन सारी बातों का सपोर्ट करती नजर आ रही है और नेहा धूपिया उस लड़की के ही फेवर में नजर आई। इसके बाद से नेहा धूपिया सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लग गई। अब इस स्टोरी का एक एंगल और है कि अगर एक लड़का 2 लड़कियों के साथ या 3 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखता है तो वो गलत हो जाता है, वो लड़कियों को धोखा दे रहा है। अब ये बात आपको कहां तक सेटिस्फाई करती है, आप खुद बताइए। तभी तो सोशल मीडिया पर नेहा धूपिया के स्टेटमेंट को लेकर मीम्स बनने लग गए हैं, ट्विटर पर उन पर कमेंट्स किए जा रहे हैं, लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर नेहा धूपिया से राय मांग रहे हैं। इस पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे स्लैपिंग अ गर्ल फॉर चीटिंग इज मोर डेंजरस एंड अनलॉफुल देन हैविंग 5 BFs। जय हो नेहा धूपिया, पीपल लाइक यू आर नॉट वर्दी टू सिट एंड जज एमटीवी रोडीज। She is a blot in the name of judge. MTV India से ये तक request की जा रही है कि उन्हें इस शो से हटाया जाए, और Twitter पर trend हो रहा है shame on Neha Dhupia. इसके अलावा even real feminist got fainted after seeing that clip of hashtag Neha Dhupia. इसी तरह के कई तरह के और memes हैं और comments हैं जो continuously Twitter पर Neha Dhupia के account पर किए जा रहे हैं। आपको बता दें, नेहा धूपिया बहुत लंबे समय से, काफी सीजन से एमटीवी रोडीज को जज कर रही हैं, फेमिनिज्म के ऊपर कई तरह की बातें बोलती नजर आती हैं। इसके अलावा पर्सनल लाइफ की बात करें तो नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से शादी की है, जो उनके पहले दोस्त थे, और उन्होंने शादी भी बिना किसी को बताए बस फटाफट से पल भर में कर ली। उसका रीजन कुछ महीनों के बाद सामने आया कि नेहा धूपिया शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उनकी अंगद बेदी के साथ एक बेटी है जिसका नाम मेहर है। अब ऐसे में बात ये और सवाल ये भी कि नेहा धूपिया जो खुद इस तरह के एग्जांपल्स दे रही हैं, इस तरह के कमेंट्स दे रही हैं, वो अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए खुद क्या एग्जांपल सेट कर रही हैं?
शायद नेहा धूपिया ने बिना सोचे समझे ये स्टेटमेंट तो दे दिया, पर बॉलीमिथ आपको यही एडवाइस करता है कि आपको स्टेटमेंट के बारे में एक बार सोचना जरूर चाहिए। आप नेहा धूपिया के स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट।